नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रेड इन्फोवीज में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ फतुहा राजगीर मेमू एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों यह ट्रेन फतुहा जंक्शन से राजगीर तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 03224। यह ट्रेन 3 घंटे 10 मिनट में अपनी 71 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं। यह डेली ट्रेन है, हफ्ते के सारे दिन चलती है। अब बात करते हैं इसकी टिकट किराए की। इसमें अनरिजर्व जनरल डिब्बे ही अवेलेबल हैं जिनका किराया है तकरीबन 10 रुपये। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन फतुहा जंक्शन से रोजाना शाम के 5:20 पर रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है गोकुल नगर हॉल्ट, जहाँ पर ये शाम के 5:26 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है मछरियावा, जहाँ पर ये शाम के 5:31 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है नायका रोड हॉल्ट, शाम के 5:36 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है दनियावा बाजार हॉल्ट, शाम के 5:40 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है दनियावा जंक्शन, शाम के 5:56 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है सुल्तानपुर ग्राम, शाम के 6:09 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है लच्छू बीघा हॉल्ट, शाम के 6:16 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है रुखाई हॉल्ट, शाम के 6:25 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है चंडी हॉल्ट, शाम के 6:30 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बडोना हॉल्ट, शाम के 6:38 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है नूरसराय हॉल्ट, शाम के 6:40 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है तेगपुरा हॉल्ट, शाम के 6:59 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है सोसराय हॉल्ट, शाम के 7:04 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बिहार शरीफ जंक्शन, शाम के 7:10 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है टुंगी हॉल्ट, शाम के 7:18 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है पावापुरी रोड, शाम के 7:22 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दीपक नगर हॉल्ट, शाम के 7:29 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है नालंदा, शाम के 7:33 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है मारहरा, शाम के 7:40 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला स्टेशन आता है सिलाव, शाम के 7:44 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है काराडीर हॉल्ट, शाम के 7:51 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है सरदार पटेल हॉल्ट, शाम के 7:56 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी इसका स्टेशन आता है राजगीर, जहाँ पर यह रात के 8:30 पर पहुँचती है और यहाँ पर पहुँच के ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।